सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराधनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी मनगंजन ग्रंथनी अंदर परतक मन अने नीज मननी बात करे छे। निष्कुलानंद स्वामी आ ग्रंथनी अंदर आत्मानो श्रेय केवी रीते थाय, कल्याण केवी रीते थाय, एनो छेल्लो जन्म केवी रीते थाय ए विषयक वातो समझावता छेल्ले एम के छे मोहरूपी बाण छे एने निज मने मरोड़ी नाख्युं छे। निर्मोही वर्तमान पाळीने, निस्नेही वर्तमान पाळीने जे कोई मोह उत्पन्न थाय एवा धन, स्त्री, पोतानुं शरीर, पोतानो पुत्र, कपड़ा, घर आ बधाई मांथी प्रीति तोड़ी छे। आगळ हवे स्वामी लखे छे, मर्यो नहीं मोह बान थी निज मन जन नरेश सदा उदास संसार थी हरिषु प्रीत हमेश। काम बान सो काढ़ियो नहीं नारी सुसनेह चौद लोक जे चतुरदा इच्छा नौरमाएह। अनंग बान कर डुवती जाते बचे न जीव सुरासुर नर नाग मुनि भागे ब्रह्मा शिव। काम रूप सो कामिनी मूर्तिमान एहमेन तासु भूले न भाषण कीजिए ना निरखो कोय नैन। परतक मने मोहरूपी बाण पछी बीजू बाण मार्यु छे कामरूपी बाण। जे बाण थी ब्रह्मानी सृष्टिनी अंदर कोई देव, कोई व्यक्ति एवो नथी जे हनायो ना होय। कामरूपी बाण ज्यारे काढ्यु छे, जे कामरूपी बाण श्रीजी महाराजे प्रथम प्रकरणना 34मा वचनामृतमां एम कीधुं छे के अमे ज्यारथी आ सृष्टि करी ते दिवसथी कड़ चढ़ावी मूकी छे, फरीने दाखड़ो करवो ज न पड़े। ए कड़ कई छे? तो ए कड़ छे स्त्रीने पुरुषमां हेत थाय अने पुरुषने स्त्रीमां हेत थाय। सहजे भगवाने ज्यारथी आ सृष्टिनी रचना करी छे त्यारथी भगवान के अमारे कड़ फरीने चढ़ावी न पड़े एवो अमे एक फेर चढ़ावी दीधेलो छे के जे क्यारे उतरे ज नहीं। एटले सहजे सृष्टिनुं कार्य चाल्या करे अने क्यारेय पण अमारे फरीने दाखड़ो करवो पड़े नहीं। भक्तों ऊपर मळी जोवो, ऊपर मळी लो संतों, मारे वार लागशे। 14 लोक अने चतुर्धा ए इच्छा नहीं। 14 लोक काम बाण ने काढ्यु, केवी रीते काढ्यु? तो के एने स्त्री में हेत है, हेत ने एने पर हर्यु है। 14 लोक ने चतुर्धा लगी एटले के 14 लोकनु आ ब्रह्मांड है अने 14 लोकना ब्रह्मांड थी पर भगवाननु धाम है। भगवानना धामनी अंदर चतुर्धा मुक्ति है। श्रीजी महाराजे वचनामृत प्रथम प्रकरणनु 43मुं एनी अंदर एक उपाय बताव्यो छे। महाराजे एम कीधुं छे के भगवानना जे निष्काम भक्त छे ए भगवाननी चतुर्धा मुक्तिनी पण इच्छा राखता नथी, फक्त ने फक्त भगवाननो राजीपो इच्छे छे। जे भगवाननो राजीपो इच्छे छे ए भगवाननो निष्काम भक्त छे। अहीं कामरूपी बाणने सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामीए 2 विभागनी अंदर वहेंचेलुं छे। एक जे काम सहज रीते आपणे जेने निष्कामी वर्तमान कहीए छे, जे संतो माटेनुं अति अगत्यनुं वर्तमान छे, गृहस्थ माटे पण अति अगत्यनुं निष्कामी वर्तमान छे। ए वर्तमान के जेमां स्त्री अने पुरुष, पुरुष अने स्त्रीनो विषय छे। अने बीजो कामनो अर्थ थाय छे इच्छा। इच्छा छे एनुं मृत्यु करवुं ए पण निजमन माटे जरूरी छे। एमां पण ए सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी 2 प्रकारनी इच्छाओनो निषेध करे छे। एक 14 लोक एटले के ब्रह्मांडनी अंदर 5 विषय संबंधी जे इच्छाओ छे, शब्द स्पर्श रूप रस अने गंधने भोगववानी जे इच्छाओ छे एने मारवानुं स्वामी कहे छे। एनी साथे 4 प्रकारनी जे मुक्ति छे, भगवाननो भक्त भजन करीने भगवानना धामने पामे छे त्यारे 4 प्रकारनी मुक्तिने पामे छे। शालोक्य मुक्ति एटले भगवानना लोकमां रहेवुं, सारूप्य मुक्ति एटले भगवान जेवा रूपने पामवुं अने साष्टी एटले भगवान जेवा ऐश्वर्यने पामवुं अने सामीप्य एटले भगवाननी समीपमां रहेवुं। आ 4 प्रकारनी जे मुक्ति छे एने पण भगवाननो जे निष्काम भक्त छे इच्छतो नथी। केवळ ने केवळ भगवान पासे भगवाननो राजीपो इच्छे छे। एटले कामरूपी बाण छे ए 2 प्रकारनुं काम करे छे। एनी अंदर अहीं आगळ निज मन ज्यारे एवुं कहे छे के देव होय के असुर होय, नर होय के नाग होय, ब्रह्मा के शिव जेवा होय ए पण कोई कामरूपी बाण थी बची शक्या नथी। कामरूपी बाण एटलुं खतरनाक छे के मोटा मोटा देवताओने पण रोड़ी नाख्या छे। ब्रह्माजीए आटली मोटी सृष्टि करी, एनी बनावेली सृष्टि छे, छतां पण एने ज्यारे कामे बाण मार्युं छे त्यारे सरस्वतीने जोईने मोह थयो छे एवुं शास्त्रो कहे छे। शिवजी समर्थ होवा छतां पण, योगी पुरुष होवा छतां पण, जोगी पुरुष होवा छतां पण शिवजी ने ज्यारे मोहिनी स्वरूपने जोयुं छे त्यारे शिवजी ने पण एटली योग कळामां खामी आवी छे आवुं भगवान स्वामीनारायण कहे छे। एटले निज मन हमेशा बीवे छे। जे डरे छे एने क्यारेय नुकसान थतुं नथी। जे इंद्रियोने अंतःकरणना वेगथी डरतो नथी एने चोक्कस नुकसान थाय छे। नुकसान एने ज वर्युं छे के जे व्यक्ति इंद्रियोना वेगथी बीतो नथी होतो। जो ब्रह्मा जेवाने जे बाण रोड़ी नाखतुं होय, जे शिवजी जेवाने पछाड़ी नाखतुं होय, मोटा मोटा सौभरी ऋषि जेवाने पछाड़ी नाखतो होय तो आपणी शी वात। आपणे तो जेटली मर्यादामां रहीए, स्वामीए वातोमां कीधुं जेटली मर्यादामां रहीए एटलुं ज आपणुं शोभे। आपणे भगवानना बनायेला बंधारणनी बहार निकळीए एटले आपणने नुकसान थाय 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 ने थाय। जो मोटाने समर्थ जेनी पासे आटली ताकत छे ए लोकोने नुकसान थतुं होय तो आपणे तो मनुष्य जन्मनी अंदर छीए, मनुष्यना शरीरनी अंदर छे। आपणुं सामर्थ्य पण टूंकुं छे, आपणी शक्ति पण टूंकी छे, आपणी विचारधारा पण टूंकी छे त्यारे इंद्रियोना वेग ए व्यक्तिने पछाड़ी दे। माटे नियम भगवान कहे छे नियम राखो। निज मन अहीं आगळ एम कहे छे कामरूपी बाण ज्यारे मार्युं छे त्यारे निज मन कहे छे मारे स्त्रीने जोवी ज नथी। अहीं आगळ सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी आ ग्रंथने लखे छे। एटले स्वामी पोते एक पुरुषना शरीरमां छे एटले स्वामी ए रीते ग्रंथनो उल्लेख करे छे। आनो अर्थ ए थाय छे के जेने स्त्रीनुं शरीर मळ्युं छे अने पुरुषना शरीरथी बीवुं अने पुरुषनुं शरीर मळ्युं छे अने स्त्रीना शरीरथी बीवुं। कारण के कोई स्त्री खराब नहीं, कोई पुरुष खराब नहीं। शास्त्रों कहे छे एकांतनो योग हमेशा खराब छे पारकी स्त्री अने पारका पुरुष माटे। तो अहीं स्वामी ए ज कहे छे कामरूपी बाण मार्युं छे परतक मने अने त्यारे निज मन एवुं कहे छे के हूँ जोव ज नहीं, हूँ भूले पण स्त्रीने जोव नहीं। काम रूप सो कामिनी मूर्तिमान एह मेन तासु भूले न बासन कीजिए नानी रखो कोयने न। कामनु मूर्तिमान स्वरूप एटले सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी के मैं नक्की करी राखेलू छे के कामनु मूर्तिमान स्वरूप एटले स्त्री छे। स्त्री माटे कामनु मूर्तिमान स्वरूप एटले पुरुष छे। एनी जोड़े जो भाषण करिए साधु तरीके, अहीं साधु ने ध्यान में राखीने वात लखवामां आवी छे के साधु स्त्रीनी साथे जो भाषण करे एने जो जोवे तो एने विकार थाय, पण ए जो जोवे ज नहीं बात करे ज नहीं तो क्यांथी थाय। एटले निज मन परतक मन ने एवं कहे छे के ते भले मने कामरूपी बाण मार्यु पण हूँ स्त्री ने जोईश ज नहीं, स्त्री हारे बात करूँ ज नहीं, एटले तारू बाण ऑटोमेटिक मरी जशे। अने त्यारे परतक मन शू कहे छे जो सांभळो। स्पर्शा मा काह पाप है। परतक मन केवू समझावे छे निज मन ने। स्पर्शा मा काह पाप है जोया मा काह जात चित्त साबुत चाहिए क्या वन से करे वात। केवू सरस समझावे छे जो मारवा माटे। हाँ, स्पर्शा मा काह पाप है। स्पर्श में हूँ पाप थी जाए, खोटू नहीं करवानू, पण स्पर्श में शू पाप। जोया मां कहा जात, जोया में हूँ जतू रहे छे। चित्त साबुत चाहिए, चित्त चोखू जोए। घणा नथी कहेता मन चोखू जोए। आ हूँ मंडी पड़ा छो के बेनो आरे बात ना थाय ना ना थाय ना ना थाय। मन साफ होय तो कई ना जोए। भाई ब्रह्मा करता तारू मन वधारे साफ छे। ब्रह्मानी सृष्टि में ब्रह्माना ऐश्वर्य थी आटली मोटी सृष्टि सर्जानी है। तू ब्रह्मा थी वधारे चोख्खो मननो होईश। जे ब्रह्माजीए भगवानी शक्ति थी आटलू सर्जन कर्यु छे, ए ब्रह्मा थी तो वरी चोख्खो आ ब्रह्मानी सृष्टि में कोण होय? ब्रह्माजी थी चोख्खो तो कोई नहीं होय। एनाथी एना जेटलू चोख्खुं हृदय तो कोईनुं नहीं होय आ ब्रह्मानी सृष्टि में, सिवाय के जे ब्रह्मानी सृष्टिना परथी आवेलो छे, अक्षरधाममांथी आवेलो छे, बीजा कोई धाममांथी आवेलो छे, तो ए वात जुदी छे। एनुं मन ब्रह्मा करतांय चोख्खुं होय। पण ब्रह्मानी सृष्टिनी अंदर जे हजू 184 में फरतो फरतो अहीं आव्यो छे, अथवा तो हजू थोड़ा समयथी साधन करतो करतो साधन दशावाळो जीव छे, ए वरी ब्रह्मानी सृष्टि में ब्रह्मा करता महान क्यांथी होय? एनी अंदर ब्रह्माजी करता वधारे शक्ति क्यांथी होय? पण शुं विचारे छे? चित्त साबुत चाहिए क्या वन से करे वात। स्त्री आरे बात करवाथी कशुं बगड़ी ना जाए। मन चोखू जोए। शुं चोखू जोए? मन चोखू जोए। अने आवुं वात करवा वाळा आ तो स्वामी अहीं लख्युं छे। आ परतक मन समझावे छे निज मन ने के तू खोटो आँखों बंद करीने बेही गयो छे। वातो कर। स्त्रीओ हारे बोलवानुं, वातो करवानी, एना हाथनुं जमवानुं, अने एमां तो बहु हेत थाय अने एमां तो सत्संग बहु वधे। खरेखर सत्संग वधी जाए। घणानो सत्संग एम वधी जाए के जो संतो जो बेनो हारे वातो चालू करे ने तो बेनोनो सत्संग बहु वधे। कारण के एनी अंदर भक्तिनुं स्वरूप कीधुं छे ने, एटले एनी अंदर भक्ति सहज होय। हवे भक्ति सहज होय ने एटले जो एने एम खबर पड़े के साधु मारा हाथनुं जमशे, साधु मारी हारे वात करशे तो एनो सत्संग और 10 गणो वधे। पण एने करीने भगवान स्वामीनो कुराजीपो थाय एनो शुं? जे श्रीजी महाराजे आ सत्संगनी मर्यादा अष्टांग ब्रह्मचर्यनी बनावेली छे, एक चित्रामणनी स्त्री होय एनो पण स्पर्श त्यागीने ना करवो। एक न्यूज़पेपर में छपायेलू चित्र होय एनो पण स्पर्श ना करवो। त्यां सुधीनो निषेध श्रीजी महाराजे साधु माटेनो करेलो छे। स्त्रीनो अवाज जो जाणी जोईने संभळाई जाय तो एक उपवास करवो, ए निषेध श्रीजी महाराजेनो उल्लेख कर्यो छे। एक वाहन में बेसवानुं थाय, प्लेन में जवानुं थाय, ट्रेन में जवानुं थाय, एक वाहन में जे वाहन में साधु बैठा होय ए वाहन में स्त्री बैठी होय, आगळ बैठी होय, पाछळ बैठी होय, आखा प्लेन में एक ज स्त्री बैठी होय, तो पण साधुने एना प्रायश्चितनो उपवास करवानुं शास्त्र में लखेलुं छे। तो श्रीजी महाराज ए कोई एवा भगवान नहोता के एने कल्याण कोईनुं बगाडवुं होय। ए एवा भगवान नथी जड़बे सलाक बधुं कर दे। ए ज श्रीजी महाराजे एवुं लख्युं छे के स्त्री जो डूबती होय जे श्रीजी महाराज एवं लख्यु छे कागड़नी स्त्रीने पण मारा साधुए अड़वुं नहीं। जे श्रीजी महाराजे एम लख्यु छे मारा साधुए जे वाहन में स्त्री बैठी होय ए एक ज वाहन में कोई कारणसर बेसवानुं थयुं। आ धर्मामृत तो आजथी 200 वर्ष पहला लखाणुं छे। ते दिवसे तो गाड़ा में जवा आववानुं थतुं एटले संतोने गाड़ानी अंदर क्यारेक एवुं होय के दूर देश में जवुं होय, कोई संत बीमार थई गया होय, संतो लगभग पगपाड़ा जता रहता पण बीमार होय न चाली शके एम होय अने कोई गाड़ावारो मळ्यो। हवे एमां बे बाईओ बैठी छे अने कोई कारणसर साधु बीमार छे एवी अवस्था छे, तेने एक साइड उपर क्यांक खूणामां बेसाडवा पड्या त्यारे एवी परिस्थिति थई हशे जेना कारणे श्रीजी महाराजे लख्युं के वाहनमां बेसे। तो आजे साधु नहीं थी भारत जवुं होय, भारतथी અહીં આવવું હોય, અહીંથી બીજા સ્ટેટમાં જવું હોય, પ્લેનમાં જવું જ પડે, ત્યાં સ્ત્રીઓ હોય જ પ્લેનમાં। તો એની માટેનો એ નિયમ છે। એવી રીતે જે સાંખ્યોગી બાઈઓ હોય, બહેનો હોય, જે સ્ત્રી તરીકે સાધુ છે એને પુરુષ હોય ત્યારે એ જ પ્રકારના નિયમો લાગુ પડે છે। સાધુને જ્યારે સ્ત્રી હોય ત્યારે એ લાગુ પડે એમ સ્ત્રી સાધુ હોય એના માટે પુરુષ જ્યારે હોય ત્યારે એ જ પ્રકારના નિયમો લાગુ પડતા હોય છે। તો શ્રીજી મહારાજે બધું વિચારીને કર્યું હોય। જે શ્રીજી મહારાજે એમ લખ્યું કાગળની અંદર ચિતરેલી સ્ત્રી જોવી નહીં, સ્ત્રીનો અવાજ પણ સાંભળવો નહીં, સંભળાઈ જાય તો મારા સાધુએ ઉપવાસ કરવો। આટલું શ્રીજી મહારાજે જડબે શલાક બંધારણ કર્યું છે। છતાં પણ એ શ્રીજી મહારાજે એવું લખ્યું છે કે स्त्री जो डूबती होय पानी में एने तरता नथी आवड़तुं तमने तरता आवड़े छे, तमे साधु छो। जे स्त्री ने चित्रामणनी छे एने अड़वाण नथी पण ए डूबे छे तो एने स्पर्श करीने पण बचावो। कोई आतताई छे, कोई आतंकी छे, कोई स्त्रीनी लाज लूटे छे अथवा तो एने मारवा जई रह्यो छे, तमे साधु छो, तमारो धर्म छे, स्त्री साथे बोलाय नहीं, स्त्रीने अड़ाय नहीं, पण त्यारे ओला आतताईने वारीने पण ए स्त्रीने अड़ीने पण एनी रक्षा करो। श्रीजी महाराज बहु प्रेक्टिकल भगवान छे। ए एवा नथी पण ए कयो समय छे आपतकाळनो, ओली स्त्रीना माथे मृत्यु थई रह्युं छे अथवा तो तमारुं मृत्यु थाय एवी पोजिशन छे, कोई साधुनुं मृत्यु थाय एवी पोजिशन छे अने त्यारे कोई स्त्री एनी रक्षा करी शके छे तो ए स्त्री ए साधुने अडीने पण बचावी शके छे जो एनो आपतकाळनो समय छे तो। पण आपतकाळनो धर्म जुदो छे, सामान्य रीते रोजिंदो धर्म जुदो छे। आपतकाळना धर्मने आपतकाळ आवे त्यारे ग्रहण कराय अने सामान्य धर्मने सहज रीते जेम आपणे श्वास लईए छे ने एम एने पाळवो पड़े। नहीं तो जो आपतकाळनो धर्म सामान्य धर्म, हवे आपतकाळनी अंदर एवुं थयुं अने क्यांक कोईने बचाया, अडीने बचाववा पड्या, पछी के लो हवे तो आपतकाळमां तो अड्या जता तो हवे वातो करवामां वांधो छे, ते दी तो वात करी हती पण ए दिवस आपतकाळ हतो, ते दिवसे मृत्युनो समय हतो, ते दिवसे एवं पोजिशन थी। हवे पछी के हवे एक वखत आपतकाळ आवे, भाई रोज आपतकाळ करे तो एने आपतकाळ जिंदगीनो थई जाय। भगवान श्री हरिनी मर्यादा ए ज आपणुं आध्यात्मिक जीवननो श्वास छे। मरवुं होय ने आ जीवनमांथी मरवुं होय तो ज स्वामीनारायणनी आज्ञा बहार जवुं, नहीं तो करोड़ोनो फायदो थतो होय। एक बहु मोटा महात्मा हता तो महात्माने एवो संकल्प थयो के मारे छे ने सोनानुं आखुं आम पत्रू जड़ीने मंदिर करी देवुं छे, सोनानुं पत्रू जड़ीने। एटले ए महात्मा आम तो स्त्री धनना त्यागी गणाता पण एमने शुं कर्युं, सोनुं तो कोनी पासे जाजु होय, पुरुष पासे तो कांई मळे नहीं होय, बाईओ पासे, एटले बाईओ हारे वात करे अने स्त्रीओने एम के जो आ भगवाननुं मंदिर करवुं छे, केटलुं सोनुं तार पासे, लाय सोनुं आपी दे, केटला बूटिया छे, केटली बंगड़ी छे, आम करीने ने सोनानुं सिंहासन, सोनानुं बीजू बहु काम कर्या हशे अने कदाच समाजनी अंदर पण वाहवा थई हशे के भाई आ महात्माए बहु आ सारू काम कर्युं। पण श्रीजी महाराजना हृदयनी अंदर भालानी जेम वागेलुं होय। सोनाना सिंहासनोथी भगवान राजी नथी थाता, सोनाना पत्राओथी भगवान राजी नथी थाता, मारो ने तमारो सोना जेवो धर्म पाडवानी खेवना जोईने भगवान राजी थाय छे। भगवान ने बीजू कशु जोतुं नथी। भगवान ने क्या सोनाना सिंहासन जोए छे, एनी पासे क्या अक्षरधाम में ओछू छे, एनी पासे जे रत्नो छे, श्रीजी महाराजना सिंहासन में जेवा रत्नो छे, श्री आखुं ब्रह्मांड एनुं ज बनावेलुं छे। आपणे कदाच अहींथी मोगा मोगो एक कोहिनूर भगवानना मुगटमां जड़ीए, आपणने आपणी भावना प्रमाणे लागे के मैं भगवानने बहु मोटो मुगटमां मणी आप्यो के मोती आप्यो, श्रीजी महाराजनी नजरमां कांई नथी। एवा तो करोड़ों मोती जे आपणे जोया नथी, करोड़ों मणियों जे आपणे जोया नथी, एवा एना सिंहासनमां जड़ेला छे। आ ब्रह्मांड नहीं, अनंतकोटी ब्रह्मांडोमां कई संपत्ति एवी छे जे भगवाननी ना होय। भगवान पास बधुज छे पण भगवान राजी थाय छे धर्मथी। हवे परतक मन शू समजावे छे निज मन ने? स्पर्शा में कहा पाप है, स्पर्श करवामां शू पाप छे? जोया में कहा जात, जोवाथी एटलो बधो काचो तू के जोवेन तने विकार थई जाय, एवुं ज कांई होतुं हशे? अने एवुं होय कंई नहीं, तू तारा जेटली उमरना बाय हारे वात न करीश, पण वृद्ध होय 80 वर्षना एन जोड वात करवामां हुं वांधो छे? त्यां तो कोईने 80 वर्षना वृद्ध होय एमां तो विकार थवानो नथी, न्या वात करवामां वांधो तने? 4 वर्षनी बाळकी होय तो वात करवामां शुं वांधो छे? तो पण शास्त्र निषेध करे छे, ना पाडे छे, ना पाडे छे। 6 महीनाथी मोटी बाळकी होय एने पण धारीने जोवी नहीं। आटलो निषेध श्रीजी महाराजनो करेलो छे। भगवाने जे कर्युं होय, जे रच्युं होय ए बराबर ज होय। आपणे आपणी बुद्धिनो डोळ करवा जोईए, आपणे आपणुं डापण करवा जोईए, आपणे कंईक एनी अंदर नवुं करवा जोईए तो आपणुं नवुं थई जाय। भगवाननुं तो जेम होय एमनुं एम ज रहे। माटे भगवानना भक्तो तमे बधाय कथावार्ताना अंगवाळा छो, समजणवाळा छो, श्रीजी महाराजना अभिप्रायने समजो छो। कदाच आ तो एटला माटे आ वात शास्त्रना अत्यारे माध्यमे कही रह्यो छुं के कोई दिवस कोई त्यागी गाफल थाय, पण गृहस्थ क्यारेय त्यागीने गाफल न करे। क्यारेय पण स्त्री भक्तोने करोड़ो वखत प्रार्थना करीने प्रार्थना, कोई पण त्यागीने क्यारेय एवो आग्रह न राखो कोई त्यागी मारी साथे बोले तो ज मारुं कल्याण, कोई त्यागी मारा हाथनुं जमे तो ज कल्याण। श्रीजी महाराजनी मर्यादामां कल्याण छे। घणी वखत माताओने एवो वधारे पड़तो भाव होय के साधु मारी हारे बोले। हाँ, श्रीजी महाराजे कह्युं छे के स्त्री भक्तोनो कोई प्रश्न होय, पोताना पति द्वारा, पोताना पुत्र द्वारा, पोताना कोई नजीकना संबंधी द्वारा, सत्संगनी अंदर कोई आगेवान भक्त द्वारा पूछावी सके साधुने के मने आ प्रश्न छे, मारो आ प्रश्न संतने पूछो। संत एना पतिने, एना पुत्रने, एना परिवारना नजीकना कोई पुरुषने, सत्संगना कोई आगेवान प्रतिष्ठित व्यक्तिने संते जवाब आपी शके छे। आजना युग प्रमाणे कोई घरनी अंदर प्रश्न है, बहनों प्रश्न है, भाईए फोन कर्यो, भाईए फोन करीने स्पीकर पर मूक्यो, फोन ने म्यूट करी दो, साधु ने प्रश्न पूछो कि आ प्रश्न है स्वामी आने समझाओ। स्पीकर फोन पर मर्यादा में रहीने पुरुषनी हाजरी में स्त्री भक्तो सांभळे, पोतानो प्रश्ननु निराकरण पण थाय छे। संतो तरफथी एने जे वात मळवी जोईए मळी पण शके छे अने श्रीजी महाराजना रदगत अभिप्रायने नुकसान पण थतुं नथी। माटे भगवानना भक्तो लोयाधाम परिवारनी अंदर तो आ बधाने समजण होय ज, छतां पण क्यारेय महिमाना अतिरेकनी अंदर, आजे नहीं, 5 वर्ष पछी नहीं, 10 वर्ष पछी नहीं, 25, 50, 100 वर्ष पछी नहीं, सूर्य ने चंद्र तपे त्यां सुधी एक परंपरा जे श्रीजी महाराजनी स्थापेली छे एनी अंदर आपणे एक ईंट मूकी ना शकीए तो कांई नहीं, पण एक ईंटने पाडीए नहीं। जो एक ईंट आपणे खेडवी एटले श्रीजी महाराजना दाखला उपर पाणी फेरव्युं। महिमाना ओथे फेरवीए, बीजाना ओथे फेरवीए, पण कल्याणना मार्गे नुकसान थई गयुं। माटे अहीं आगळ मन केवुं समजावे छे, परतक मन केटलुं हरामी छे जोओ तो खरा। स्पर्शामां कहा जात, मन चोख्खुं जोईए, मन चोख्खुं जोईए। क्या वनसे करे वात, वात करवामां शुं बगड़ी जाय छे? ए पण विचारी आत्मा हरि भजवा होय होंस, बीजी वाते बाध छे पण ज्ञान मां कहा दोष। केवुं समजावे छे बोलो। ए पण विचारी आत्मा हरि भजवा होय होंस, बीजी वाते बाध छे पण ज्ञान मां कहा दोष। ये आत्मा तू पोताना स्वरूप ने जो आत्मा माने तो तू पुरुष के स्त्री छो ज नहीं। निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम, कशुं छे ज नहीं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता साधुओ जे छे एने पण श्रीजी महाराजे निषेध कर्यो। महाराज गोपाळानंद स्वामी ने मुक्तानंद स्वामी तो अक्षर भावे वर्तवाळा पुरुषो हता ने आ पृथ्वी पर। ए तो कांई एवा नहोता ने के सामान्य जीवनी जेम लकचोरासी फरता आवी गया कि आलो भाई 100 जन्म थी मेहनत करता था। गोपाळानंद स्वामी ने मुक्तानंद स्वामी तो अक्षरधाम में आवेला था। श्रीजी महाराज अंत्यना 33मा में स्टेटमेंट आपे छे। आ गोपाळानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी एवा छे के एने धननो योग थाय, पदार्थनो योग थाय तो पण एनी बुद्धि में कोई रीते फेर पड़े एवो नथी। श्रीजी महाराजना शब्दों बहु याद राखवा जेवा छे। जेनाथी अमने त्यागीने तो चेतवनी मळे ज पण गृहस्थ पण एनाथी चेतीने रे। आवा मोटा माटे जो श्रीजी महाराज आवुं स्टेटमेंट आपे तो आपणे कोण? महाराज एम बोल्या, धन दौलत स्त्री अने पुत्र ए आदिक जे पदार्थ तेने करीने जेनी बुद्धिमां फेर पड़े नहीं। केटली वस्तुथी धन मळे माणसनी बुद्धि फरी जाय छे, भाई भाई वच्चेनो, पुत्र पिता वच्चेनो, पति पत्नी वच्चेना संबंधो तूटी जाय छे। आपणे जगतमां जोईए छे धनथी, दौलत, मिलकतो, एना कारणे केटला मोटा झगड़ाओ ने प्रोब्लेमो थाय छे। स्त्री एना माटे पण केटला झगड़ा थाय छे अने पुत्र ए आदिक जे पदार्थ एने करीने जेनी बुद्धिमां फेर पड़े नहीं अने एने अर्थे कोईने विषे आस्था आवे नहीं, एवा तो सत्संगमां थोड़ा गणतरीना हरिभक्त होय पण जाजा होय नहीं। केटला हरिभगत सत्संगमां होय? गणतरीना, जाजाना होय। एम कहीने वळी बोल्या, एवा तो आ मुक्तानंद स्वामी तथा गोपाळानंद स्वामी छे। आ बे छे गणतरीना हरिभगतमां। उदाहरण तरीके आ बेनुं नाम आव्युं एटले केटली ऊंची भूमिका छे विचारो। अने ते एमने बीजो गम्मे तेवो होय चमत्कार देखाड़े तो पण तेनो कोई रीते भार आवे ज नहीं। कोई गमे एवो चमत्कार बतावे तो भार आवे नहीं। नहीं तो कोई पासे धन ना होय अने कोई कहे के हूँ आवो विधि करूँ तमने धन मळी जाय तो विधि करावा मांडे। तमारो दीकरो नथी, आवो विधि करूँ दीकरो मळे तो मळी जाय। घरवाड़ी मळती नथी, लग्न थाता नथी तो के आवो विधि करो एटले घरवाड़ी मळे तो करावा। चमत्कार जोवे त्यां मानस नमस्कार तरत करे। ज्यां चमत्कार त्यां नमस्कार सहज रीते थी जाए। एटले अहीं कहे छे के चमत्कार देखाड़े तो पण एनो कोई रीते भार आवे ज नहीं। अने केवो होय तेने कोईनो भार ना आवे। तो जेम एम समजतो एक आ देहथी नोखो जे आत्मा ते हूँ छूं प्रकाशवान ने सत्तारूप छूं अने मारा स्वरूपने विषे प्रत्यक्ष भगवान अखंड विराजमान छे अने ते भगवानना आकार विना बीजा जे प्राकृत आकार मात्र ते असत्य छे अने अनंत दोषे युक्त छे एवो वैराग्य होय अने भगवाननु महात्म्य यथार्थ जानतो होय तेने कोई जातनो बुद्धिमां भ्रम थाय नहीं। पण ए वार्ता अति कठिन छे। केम जे ए एवा मोटा छे, कोण? गोपाळानंद स्वामी अने मुक्तानंद स्वामी एवा मोटा छे तो पण जो एमने माननो बहु योग थाय। पहेलुं माननो बहु योग थाय। रूपिया अने सोना मोरना ढगला आगळ आवीने पड़वा लागे तथा रूपवान एवी जे स्त्रीओ तेनो योग थाय तो ए त्यागी छे तोय पण एने करीने एमनुं ठेकाणुं रहे नहीं। श्रीजी महाराजना शब्दों छे जेना माटे महाराजे एम शब्द वापर्या छे, काम क्रोध लोभादिकना गाठ थाय तो मुक्तानंद स्वामी जेवाने याद करवाने प्रार्थना करवी। गोपाळानंद स्वामी एटले ब्रह्मांडनी गतिओ फेरवी नाखे एटला समर्थ पुरुष आजे पण जेनो प्रताप सारंगपुरमां आपणने देखाय छे एवा गोपाळ मुनि माटे आ बेमां कोई फेर पड़े एवो नथी। आ तो दृष्टांत श्रीजी महाराज छे ने आवा मोटानुं ले ने ते आपणा जेवा हरखा रहे। आवा मोटाने लेवा पड़े, बाकी आ बेने शुं फेर पड़े? आखा ब्रह्मांडनी स्त्रीओ भेगी करी दो ने आखा ब्रह्मांडने धनना ढगला करी दो, कांई ना थाय, कशुं ना थाय। एवा पुरुषो छे छतां पण आपणी भावना चोक्कस छे कशुं ना थाय। पण श्रीजी महाराज ऑफिशियल स्टेटमेंट ए आपे छे के एनुं ठेकाणुं ना रहे। आनाथी मोटो ने आनाथी महान कोण आ पृथ्वी पर जन्मी जाय? जन्मे तो एवो ने एवो जन्मे, पण एनाथी मोटो ने एनाथी महान कोण जन्मे? कोण जन्मशे? अत्यार नथी तो भविष्यमां गोपाळानंद स्वामीथी मोटो वरी आ पृथ्वी पर कोण जन्मवानो? महापुरुष तरीके, परब्रह्म तरीके भगवान स्वामीनारायण छे ने मोटा मुक्त तरीके गोपाळानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामीथी मोटो आ पृथ्वी पर कोण जन्मे? एना जेवो जन्मे, पण एनाथी महान ए तो कोई जन्मवानो नथी। ए जे छे आवी गयेला अक्षरधाममांथी जेने बधाई प्रमाण करे एना माटे श्रीजी महाराज स्टेटमेंट आपे छे के एमनुं ठेकाणुं रहे नहीं। जो धनना ढगला थाय, अतिशय माननो योग थाय, रूपवंती स्त्रीनो योग थाय तो, अने जो एवो योग थाय तो आज आपना त्यागी में जे अति उतरतो हशे ते जेवो पण रहे के न रहे एमां पण संशय छे। एमांय संशय छे। केम जे ए पदार्थनो योग ज एवो छे। जेम आपणे सर्वे बैठा छीए ते केवा डाया छीए? श्रीजी महाराज कहे छे आपणे बधा बैठा छे, कथा करीए अने सांभळीए छे, केवा डाया छीए? पण जो दारूना सीसानुं पान कर्युं होय तो कांई ठारे नहीं। શ્રીજી મહારાજ કેવા દ્રષ્ટાંતો આપીને સમજાવે છે, સહજ રીતે સમજાઈ જાય તેમ એ પદાર્થનો સંગ જરૂર લાગ્યા વિના રહે નહીં, માટે પદાર્થનો યોગ જો ન થવા દે તો એથી બચે, એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે, રખે મને એનો યોગ થાય તો બચે. બે જ રીતે બચે, કાં તો એનો પહેલેથી ભય રાખે ને યોગ થાય ત્યારે બીવા માંડે, થર થર બીવા માંડે. ધનનો યોગ થયો, ધનના ઢગલાથી આ બીવા માંડે. માનનો યોગ થયો, બીવા માંડે. સ્ત્રીનો યોગ થયો, બીવા માંડે. તો એને વાંધો ના આવે, પણ બીવે જ નહીં. સ્પર્શામાં કહા પાપ હેન જોયામાં કહા જાત, તો પછી મરે, ખીલે જડાય, બીજું કાંઈ ના થાય. એ પણ વિચારી આત્મા હરિ ભજવા હોય હોંસ, બે જેવા તે બાદ છે પણ જ્ઞાનમાં કહા દોષ. સત્સંગની ચર્ચા કરવામાં હું વાંધો છે, જ્ઞાનમાં કહા દોષ. સ્ત્રી આરે બીજી વાતો ના કરશો, બીજી વાત ના કરીશ. પરતક મન નિજ મનને કહે છે, સ્ત્રી આરે બીજી વાત કોઈ નહીં કરવાની. એનો ધણી શું કરે છે, એના છોકરા શું કરે છે, શું ખાધું, શું બનાવ્યું, ક્યાં ગયા હતા, એવું કાંઈ વાતો નહીં કરવાની. પણ સ્ત્રી આરે તાર ખાલી એટલી જ વાત કરવાની, વચનામૃતમાં આવું આવે છે, સ્વામીની વાતમાં આવું આવે છે, તમારા ધર્મો આવા છે, અમારા ધર્મો આવા છે, આવી સ્ત્રી યારે ખાલી તારે વાત કરવાની. આવું સમજાવે છે કોણ? પરતક મન. પરતક મન અહીં ત્યાગી, કારણ કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ત્યાગી તરીકે ગ્રંથ લખેલો છે, એટલે ત્યાગીને કેન્દ્રમાં રાખીને ગ્રંથ લખાયેલો છે, એટલે ત્યાગી તરીકે અહીં બધું ઉચ્ચારણ આવે છે. અને મોટે ભાગે નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય ગ્રંથ છે ને, એ ઝાઝા ભાગનો ત્યાગીને જ ચોખ્ખા કરવા માટેનો છે. કારણ કે આ બધો બગાડ કોણ લાવે? તમારે જેવા 5 ગ્રહ ભેગા થઈને આવે, ઓહો સ્વામી તમે તો બહુ મોટા ને બહુ મહાન ને તમારા અંદર તો ભગવાન અખંડ રહ્યા છે, અને તમને તો હું તમારી વાતોથી અમે ભ્રમરૂપ થઈ જઈએ છીએ, તમે તો છો જ. હવે બીજું કંઈ નહીં સ્વામી, પણ ઘરવાળાને એવી ઈચ્છા રહે છે 5 મિનિટ અમને સત્સંગ કરાવો ને, તમે લો કરો વાત, તે ભ્રમરૂપ માંડીને દેહરૂપ કરી દે ઓલાને. શ્રીજી મહારાજનું જે બંધારણ છે એની બહાર કોઈનું હિત છે જ નહીં, છે જ નહીં, એની બહાર જવાય નહીં. પણ થાય કેવી રીતે? આવી રીતે જ થાય, મહિમાના ઓથે જ થાય, અને સૌ પ્રથમ સત્સંગની વાતોથી જ શરૂઆત થાય. ભજન કરજો, માળા કરજો, આ કરજો, આમ કરજો, આવી રીતે ભગવાનની માળા કરવાની હોય, આવી રીતે કરવાનું હોય. હવે અમે જે ક્રિયા કરતા હોય સંતો, તો તમે પુરુષો કોઈ દી શીખવાના ના હો કે રસોડામાં ક્યાં હાથ ધોવા, કેવી રીતે ધોવા, ક્યાં અડવું, ક્યાં ના અડવું, કોને એકાદશીનું કહેવાય, કોને ઠાકોરિયું કહેવાય, કોને એઠું કહેવાય. હવે તમને તો કાંઈ ભાને ના પડે, અમે કરીએ અને બતાવીએ તો તમને 5 મિનિટ પછી ભૂલાઈ ગયું હોય, કારણ કે હાથ ધોવાના ના હોય કોઈ દી, રસોડામાં કોઈ દી ભાખરી કરવાની ના હોય, એને કેમ ખબર પડે? હવે કે કાંઈ નહીં, પણ સ્વામી ઘરવાળાને તો ક્રિયા શીખવાડ દો, એટલું કરો ને તો ધર્મ તો પડે અમારા ઘેર. તોય ના કરાય, જેમ જે થતું હોય એમ જ થાય. ત્યાં સુધી છે સાધુને, કોઈ સ્ત્રીને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સાધુને એનો ઉત્તર કરવો હોય ને તો પણ એક પુરુષને વચ્ચે રાખીને કરવો પડે. બે પુરુષ આગેવાનો એને વચ્ચે રાખીને ઉત્તર કરવો પડે, એને ડાયરેક્ટ ના કરાય. એને ગમે એવી મૂંઝવણ હોય, ગમે એવી મૂંઝવણ હોય, પણ સ્ત્રી ભક્તને પોતાની મૂંઝવણ માટે એક એવો ભક્ત ખોડી રાખવો પડે જે સંતની વચ્ચે, અને એ પણ યોગ્ય જવાબદાર સાધુ. ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે કોઈ સ્ત્રી ભક્ત કોઈ પ્રશ્ન પૂછે અને એને મંડળના મુખ્ય સાધુ સિવાય બીજો કોઈ નાનો ત્યાગી સાધુ સાંભળે તો એને ઉપવાસ કરવો, એને કેસ પણ હાથમાં ના પકડવો. મુખ્ય સાધુ, અને મુખ્ય સાધુ પણ કોઈ પુરુષને વચ્ચે રાખ્યા વિના, એનો સંબંધી પુરુષ અથવા કોઈ બીજા પુરુષને વચ્ચે રાખ્યા વિના સીધો ઉત્તર કરે તો એને દોષ લાગે. આટલા શ્રીજી મહારાજના કાયદા કડક છે. માની લો કે હું મુખ્ય સાધુ નથી અત્યારે મંડળનો, અને કોઈ સ્ત્રી ભક્ત, પ્રશ્ન તો આવે જ, કોઈનો કોઈનો પ્રશ્ન આવ્યો, પણ હું મુખ્ય નથી, મારી પાસે કોઈ હરિભગત, એને જ ખબર નથી કોણ પાસે લઈ જવું, એટલે તો લઈને આવી ગયા, પણ મારે કહેવાય ભાઈ એ મારું નથી, આ એડ્રેસ પર જાઓ, એ મારા ટેબલ ઉપર નથી આવતો આ પ્રશ્ન, એ આગલા ટેબલ ઉપર જવા દો, એમ કહેવું પડે. જો એ પ્રશ્નને સાંભળે, ભલે જવાબ ના આપે, પણ પ્રશ્નને સાંભળે ને તોય એને ઉપવાસ કરો, તો એને પ્રાયશ્ચિત કરવું. આટલા શ્રીજી મહારાજના કાયદાઓ કડક છે. હવે આ કાયદાને જાણ્યા વિના, સમજ્યા વિના સત્સંગની અંદર જો લોલે લોલ ચાલવા લાગે, કેટલા કલ્યાણના માર્ગે ખાઈઓ ખોદાય, કેટલાયનું કલ્યાણ બગડે. લાગે कि मैं कीधु एम सोनानु सिंहासन थी जाए। भगवानना स्त्री भक्तोनी भक्ति बहु वधी जाए, बहु ज वधी जाए, अति वधी जाए, कारण के भक्तिनु स्वरूप है एटले एने भाव बहु थी जाए। अमने आवुं शीखवाड़ी दीधुं, अमने आवुं करी दीधुं, अमने पूजा तो आवड़ती नहोती, प्रत्यक्ष बेहाड़ीने मानसी पूजा शीखवाड़ी दीधी। प्रत्यक्ष नहीं, वीडियो कॉल थी नहीं, फोन थी नहीं, बात थी नहीं, संभाषण पण नहीं, त्यां सुधीनो निषेध छे। हमणां ज मैं 2 दिवस पहला हरिचरण सागरनी कथामां नहोतो कीधुं कि एक भाई फोन करीने के आवुं छे। हवे विचारो, ए जन्मथी सत्संगी छे, एने खबर नहीं होय के भाई आवो मारो प्रश्न ज साधुने केम पूछाय के मारा बाए फोन कर्यो केम तमने कोई फोन देता नथी। क्यांथी दे भाई, 100 जन्म सुधी फोन करे तोय ना दे, आ जन्मे ना दे, 100 जन्म सुधी फोन करे तोय ना दे, सिवाय बुद्धिमां कोईने फेर पड़े। एटले जे श्रीजी महाराजनुं बंधारण जे लख्युं, त्यागी माटे त्यागीनुं, गृहस्थ माटे गृहस्थनुं, एमां आपणे बिलकुल बांधछोड़ कर्या विना फॉलो थईए। कोई पण प्रकारनी एमां बांधछोड़ नहीं, क्यारेय नहीं, आजेय नहीं, कालेय नहीं, 100 जन्म पछी नहीं। एने जे लख्युं छे एमां ज आपणा बधानुं हित छे एवुं राखी मूकवुं। आ हुं एटला माटे वारे वारे रिपीट करूं छुं के युग बहु बदलातो जाय छे। काले युगनुं परिवर्तन आवे, युग एटलुं मोटुं परिवर्तन लावे ने त्यारे आ लोयाधाम परिवार अकबंध रहे। एनी अंदर क्यारेय पण आवो महिमाना ओथे कोई अधर्म न करे। श्रीजी महाराजने गण्या गांठ्या मुठ्ठी भर धर्म पाळवावाळा, भक्ति करवावाळा, श्रीजी महाराजने वालथी राजी करवावाळा थोड़ाक मुठ्ठी भर छे। आ पृथ्वी पर मुठ्ठी भर छे धर्म नियमथी राजी करे। हाँ, घणा दान करवावाळा घणाय छे, पूनम भरवावाळा घणाय छे, भगवानना मंदिर पूनम भरता होय, दान करता होय, पण धर्म नियमनी चुस्ता, कारण के श्रीजी महाराजना पिता धर्म छे, माता भक्ति छे। धर्म विना माता शुं करवाना, धर्म विनानी भक्ति श्रीजी महाराज के कल्याणने आपवावाळी थाती नथी। धर्म विनानी भक्ति छे, कल्याणने आपवाळी थाती नथी। भक्ति धर्मे युक्त जोईए, धर्मे रहित भक्ति ना करवी। शिक्षापत्रीमां आज्ञा शुं कर्युं, धर्मे सहित भक्ति करवी एम नहीं, धर्मे रहित भक्ति न करवी, एटले करवी ज नहीं। करवी छे तो धर्मे सहित करवी, धर्मे रहित ना करवी। अने बधुं आ महिमाना ओथे थातुं होय, श्रीजी महाराज ना पाडे छे। हवे नर नारायणानंद स्वामी हता, एने श्रीजी महाराजे मोकल्या हता बाईओनी सभामां वातो करवा। नर नारायणानंद स्वामीने 2 वर्ष सुधी श्रीजी महाराजे स्त्रीओनी सभामां वातो करवा मोकलेला, अने स्त्रीओ सामे बेसे, एक पण पुरुष ना होय, अने स्वामी वातो करता। श्रीजी महाराज मनुष्य आकारे प्रत्यक्ष हाजर होय त्यारे तो भगवान जे बोले ए कायदो, पण श्रीजी महाराज ज्यारे तिरोधान लीला करे अने पछी महाराज ज्यारे अर्चा स्वरूपे बिराजता होय, मूर्ति स्वरूपे बिराजता होय, शास्त्र स्वरूपे बिराजता होय, त्यारे श्रीजी महाराज जे लखीने गया के बोलीने गया ए ज कायदो, बीजो कोई नवो कायदो कराय नहीं। भगवान प्रत्यक्ष होय ने तो हवार में धर्म आ के हांजे बीजो कही दे, ए मरजी मोजीला छे, गमे ते करे। धणीनो कोई धणी नथी, धर्मनुं स्वरूप स्वयं भगवान ज छे, पण भगवान मनुष्य आकारे हाजर ना होय त्यारे तो शास्त्रनी मर्यादामां रहीए तो हित थाय। नर नारायणानंद एक ज साधुने स्वामीए बेनोनी सभामां वातो करवा मोकल्या, 2 वर्ष सुधी करावी, पण एना द्वारा मोटा संतो कहे छे के श्रीजी महाराजने शुं साबित करवुं हतुं? श्रीजी महाराजने ए साबित करवुं हतुं के एक नारायण ऋषि सिवाय बीजो कोई एवो नथी के जेने स्त्री रूपी माया लोपी ना शके। अमारा सत्संग में एवा मोटा मोटा अवतारो पण साधु रूपे आव्या छे। महाराज ने आटलू ज खाली एनाथी प्रतिपादन कर्युं हतुं। मूळजी ब्रह्मचारी हता तो महाराजे कह्युं के बाईओ ने कह्याओ जाओ गाम कथा बंद करे रामकथा चालू करे। तो मूळजी ब्रह्मचारी के रामकथा बंद, रामकथा चालू, गाम कथा बंद, रामकथा चालू। एमां पाछुं महाराजे कहेलुं के तमारे छे ने बाईओ हारे बोलवू नहीं एवुं कीधेलुं, पण खाली आटलुं कहीने आवो। ते आ बाजू आ करता करता जता एमां रस्तानी अंदर कंई कोक जोड बोलवानुं थयुं ते भूलाई गयुं। रामकथानी जग्याए गामकथा चालू करो ने रामकथा बंद करो। न्या जईने एवुं कहे महाराजे एकवार कीधुं तमारे बाईओ हारे बोलवू नहीं आवे हारुं। ते आ मूळजी ब्रह्मचारीने रोज पेला बाईओ पूछे महाराज हुं जम्या, महाराजे हुं लीला करी। हवे एक ब्रह्मचारीने महाराजे एवा छूट आपेली पण ब्रह्मचारीने पछी महाराजे ना पाडीने ते बाईओ रस्तो रोकीने ऊभी। ब्रह्मचारी कोणी मारी निकळ्या के आमे अडी ने आमे अडी निकळे। लो हवे ए चरित्र एवा नरनारायण स्वामी के मूळजी ब्रह्मचारीना चरित्र लईने कोई विचारे के लो हुंय मूळजी ब्रह्मचारी नरनारायण तो विचारवानुं श्रीजी महाराजे प्रगट थईने कीधुं, दर्शन आपीने कीधुं आम कर ना। मूळजी ब्रह्मचारी नरनारायणन स्वामी केम गोपाळन स्वामी मुक्तानंद स्वामी आटला मोटा था तो महाराजे एने कोई जगह एवी रीते निमित्त न बनाव्या, केम गुणातीतानंद स्वामी निमित्त न बनाव्या, केम निष्कुळानंद स्वामीने निमित्त न बनाव्या। आवुं विचारीने भगवानना संत होय के भक्त होय भगवाननी मर्यादाने पाळे। भगवान मनुष्य आकारे होय त्यारनी वात जुदी छे, मनुष्य आकारे ज्यारे न होय त्यारे एना रचेला शिक्षापत्री ए गृहस्थ माटे एकली एक शिक्षापत्री छे, त्यागी माटे शिक्षापत्री धर्मामृत ने निष्काम शुद्धि छे। आ त्रण शास्त्र एज आपणुं कवच छे। त्यागी माटेनुं आ त्रण शास्त्र ए कवच, गृहस्थ माटे शिक्षापत्री एनुं कवच। आनाथी मोटुं कोई कवच नथी। पण आ परतक मन समझावे छे। हवे परतक मन तो कहेवा ना आवे, पण परतक मन कोना द्वारा के महिमा वाळा हरिभक्तो द्वारा के आ बधुं के हुं वांधो छे तमने, तमे तो बहु महान छो ने बहु मोटा छो, तमने काई बाध ना करे। ये बाध ना करे ने ये बधो बाध पमाड़ दे। तमे आत्मारूप मानो पोताने अने भगवान भजवानी होंश राखो। बीजी बधी वातोमां बात छे। स्त्रीने तमारे एवुं नहीं पूछवानुं के तारो दीकरो क्यां परणायो ने शुं करे छे ने क्यां बने छे ने शुं करो छो ने तमे शुं करो छो। पण स्त्रीने तमे एवी वातो तो करो, वचनामृतमां आम आवे छे, शास्त्रमां आવું કીધું છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં આવું કીધું છે, એમાં કહેવામાં તમને શું વાંધો છે? જ્ઞાનની વાતો તો કરો। એહ જ નર ધુરિયા વળી ન સમજ્યા બાત, પરતક મન કે છે આવું જે નથી સમજતો એ તો કેવા છે? અધુરિયા છે। એહ જ નર અધુરિયા વળી ન સમજ્યા બાત, नर नारी सो न टळी भली रही एह भ्रांत। आ नर ने नारी आवो भेद रह्यो छे ने ए तो शरीरना भेद छे। आत्मानो भेद क्यां छे? आत्मा रूपे जोवो तो कोण स्त्री ने कोण पुरुष ज्ञानी हो जाओ। हजू तो तमे काचा छो एटले आवो बधो भेद राखो छो के नर और नारी। नर नारी कई छे ज नहीं, एकलू ब्रह्म सभर जगत भर्यु छे। आवुं कोण समजावे छे? परतक मन। आखू जगत ब्रह्म सबर, बधु ब्रह्म ओय ब्रह्म। आ शरीर छे ज नहीं, पुरुषनु के स्त्रीनु कोई शरीर नहीं, बधा ब्रह्म। अक्षरधाम में बधा भेड़ा बेहवाना, न्या क्या नोखी सभा है? अक्षरधाम में बधा भेड़ा बेहवाना छे, न्या तो मुक्त थई जाय छे, तो त्यां तो कोईनी नोखी सभा छे नहीं। पण गुरुजी कहे छे ने के अहीं नोखा रह्या तो त्यां भेगा रहेवाय, अहीं नोखा ना रह्या होय तो त्यां भेड़ा रहेवाय नहीं। आपणा शास्त्रोमां कथाओ छे। स्त्री भक्तों ना अंतकाळ आव्या होय ने त्यारे एने भगवान ने साधु लेवा आवे छे। शास्त्रों में बहु कथाओं छे, बधी बहु कथाओं छे। स्त्री भक्तों अंतकाळ आव्यो त्यारे एने भगवान ने साधु लेवा आवे। बोलो, एने विमान में भगवान ने साधुना दर्शन थया अने स्त्री भक्तना आत्मा ने महाराज विमान में बेहाड़े त्यारे भगवान तो होय ज पण साधु आरे जोईश। तो क्यांथी आव्या साधु? त्यारे साधु क्यांथी आव्या? कारण के हवे ए आत्मा मुक्त बनी गयो छे। हवे शरीरनो भेद नथी, पण ज्यां सुधी देह भावमां छीए त्यां सुधी संपूर्ण देह भाव नहीं ब्रह्म भावमां जईए तो आ लोकनी अंदर ज्यां सुधी जे होय ए करवुं पड़े। पण परतक मन शुं कहे छे के निज मनने एम कहे छे तू तो हाव अधूरियो छो, हजू तने स्त्री पुरुषनो भेद टळ्यो नथी तो तू वरी भगवान केमनो भजवानो? हजू तू तारी जातने आत्मा ज मानतो नथी, केवी रीते भगवान भजवानो? आवुं निज मनने थोड़ो फोर्स आपीने कहे छे के मारू बाण जे मैं छोड़्यु छे ने ए बराबर छोड़्यु छे, हूँ तने बराबर समजावुं छुं, तीर मार्यु छे। घणा लोको नहीं कोईने पाड़ी देवो होय के मैं तीर छोड़्यु छे, हवे जो हूँ थाय छे। एम परतक मने तीर छोड़्यु छे निज मन उपर के तू वातो कर, गभराईश नहीं, ब्रह्म हमारी जात। आ तो बधी उपाधि, स्त्री पुरुष एवो भेद छोड़, ब्रह्म हमारी जात। आटला वर्षोथी तू त्यागी थयो छो, आटला वर्षोथी तने काई नथी, तारा वचने केटला ब्रह्मरूप थई गया, केटला लोकोने संसारमांथी प्रीति तूटी गई, तो तारे तो होय ज नहीं ने, एटले तारे तो वांधो नहीं, थवा दे। आवी रीते परतक मन निज मनने समजावे छे। निज मनने एम कहे छे के तारे आ बधी भ्रांतिओ भांगवी पड़े अने तारे स्त्री हारे वात करवी जोईए, एनो स्पर्श पण करवो जोईए। बीजी वातो ना करे तो काई नहीं, पण ज्ञाननी वातो तो कर, सत्संगनी वातो कर। अने त्यारे निज मन विचारे छे के आ परतक मन मने सत्संगमांथी पाड़ी नाखवा माटे, कल्याणना मार्गेथी पाड़ी नाखवा माटे आटलू जोरथी कहे छे, त्यारे मारे पण एने जवाब तो आपवो पड़शे। हवे निज मन थोड़ुं के हुं विचारी लऊं, मारे करवुं तो नथी, पण आने फड़फड़तो जवाब कयो आपवो ए तो विचारूं। निज मन ने तो पाक्कुं ज छे કે મારે તો શ્રીજી મહારાજની બાંધેલી એક પણ મર્યાદાની બહાર નીકળવું નથી, છતાં પણ પરતક મનને પણ એટલું પાકું છે કે મારે એને પાળવો છે. એટલે વચ્ચે વચ્ચે એનો તુક્કો એ દોડાયા જ કરશે. અને હવે એ પરતક મનને નિજમન શું જવાબ આપે છે એ આપણે આગળ સાંભળશું. અગ્નેશી કડી પૂર્ણ થઈ છે. ગણશ્યામ મહારાજની જે શ્રી પતિમ શ્રી ધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મ આત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.